छोटे पर्दे के मशहूर पौराणिक सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। महाभारत में भीम की भूमिका निभाकर इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, जिसके लिए आज भी इन्हें जाना जाता है। उन्होंने न सिर्फ महाभारत में बल्कि कई फिल्मों में भी अपनी दमदार अदाकारी दिखाई। वो अपनी कद काठी की वजह से हमेशा चर्चा में रहते थे। उन्होंने धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, संजय दत्त और सनी देओल जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। प्रवीण सोबती फिल्मों में ज्यादातर विलेन की भूमिका अदा करते थे, जिसे दर्शक खूब पसंद भी करते थे। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप इनकी खूबसूरत बेटी के बारे में जानते हैं? वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? तो चलिए, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी बेटी से रूबरू करवाने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रवीण कुमार सोबती का जन्म 6 दिसंबर 1947 को सरहली, पंजाब में हुआ। बात की जाए इनके अभिनय करियर की, तो प्रवीण कुमार ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1981 में आई फिल्म रक्षा से की थी। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म मेरी आवाज सुनो भी आई। इन दोनों ही फिल्मों में उनके साथ जितेंद्र थे। वे अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म शहंशाह में भी काम कर चुके हैं। बात की जाए इनकी बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम निपुणिका सोबती है, जिन्होंने कई साल पहले शादी कर ली थी और मुंबई में रहती हैं। वहीं आपको बता दें कि ये देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। निपुणिका सोबती बेहद ही खूबसूरत नजर आती हैं। वहीं आपको बताते चलें कि इन्होंने ही मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि इनके पिता का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया है। दोस्तों, आपको इनकी बेटी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।